आपका अपने चैनल पी आर टी तैयार पर बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हम लोग डी ट्रिपल एस बी की तैयारी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी सजेशंस होते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के डाउट जो हैं वो इस चीज़ को लेकर थे कि जी एस कैसे करें, कि मैम जी एस इतना वास्ट है, उसको कितना ही पढ़ लें नंबर बढ़ नहीं रहे, एक मैथ्स और एक जी एस दोनों में मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम कैसे करें। तो देखिए, मैथ्स की तो मैं स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जी एस को किस तरीके से टैकल किया जाए कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएँ, या हम जी एस को कैसे करें, ठीक है। तो देखो, आप सभी को पता है कि जी एस में ऑलरेडी 9-10 सब्जेक्ट के करीब है अगर हम देखें तो, ठीक है। और इतना बड़ा जीएस पढ़ने के बाद कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ें, ठीक है, और इतना सब पढ़ने बाद करंट अफेयर्स अलग से पढ़ें, तो हम इतना पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का कब पढ़ेंगे, 20 नंबर के लिए इतना पढ़ें, तो मुझे लगता है कि वो वर्दी नहीं है। मैं सच बोलूं तो नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने तो एसएससी की प्रिपरेशन की थी तो मेरे वो चीज़ हो रखी थी, लेकिन अगर मुझे डी ट्रिपल एस बी करना होता तो मैं पूरा नहीं पढ़ती, ठीक है। बट इसको कैसे किया जाए कि अच्छे नंबर आ जाएं, तो देखो हमें सबसे पहले, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, डी ट्रिपल एस भी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने नंबर का है, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, किस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किस पार्ट में से कम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने कितना एनालाइज किया, ठीक है, कि डी ट्रिपल एस बी का पैटर्न क्या है, उसके बाद मुझे समझ आया कि हाँ ये लेवल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके का ये है। अब बात करते हैं कि जीएस, सिर्फ आज हम जीएस की बात करने वाले हैं, तो जीएस में 20 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो देखो उसमें तीन पार्ट्स आते हैं। तीन पार्ट्स में एक होता है आपका जो जनरल जीके है, जो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो जिसमें एसएसटी और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। एक होता है आपका करंट अफेयर वाला पार्ट और एक होता है स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो देखो मुझे लगता है कि जो 9 सब्जेक्ट्स उनको करना, आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह करना, जो सब्जेक्ट वाले टॉपिक है, जो एसएसटी और साइंस वाले सब्जेक्ट है, उनको साइड करके हम अगर ध्यान दें कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स वो अगर हम डेली बेसिस पे करें तो हमारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन देखो कई लोगों को लगता है करंट अफेयर करना वर्दी नहीं है, मुझे लगता है कि वर्दी है। क्यों वर्दी है? क्योंकि हमें पता तो है करंट अफेयर्स का, हम रोज़ थोड़े थोड़े कर सकते हैं, रोज़ के करंट अफेयर कितनी देर लगते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं करने में, ठीक है। तो जीएस को कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बताऊंगी, मैंने कैसे किया था और आप कैसे कर सकते हो। देखो आज के टाइम में बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं और मैं जीएस को छोड़ दूँ, तो आप फिर अपनी गलती कर रहे हो, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो काम बिल्कुल भी मत करो। मुझे लगता है हर सब्जेक्ट को डील करना चाहिए, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उस सब्जेक्ट में उतनी तो कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि 20 में से 20 की तैयारी करो, मैं ये नहीं कह रही कि 20 में से 20 आ सकते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जिनके 20 में से 20 आ जाएँ, ठीक है, बट 20 में से 20 की कोशिश तो हम कर सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करें, तो देखो सबसे पहले तो जो है मैं बात कर रही हूँ कि स्टैटिक जीके और जनरल जीके की मैं बाद में करूंगी, सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखो करंट अफेयर क्या है, तो करंट अफेयर्स जो है ना 5 नंबर के करीब, 3-4-5 नंबर के करीब आते ही हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको वो 5 नंबर तो आप खुद ही लूज कर लोगे, ठीक है। तो 5 में से 2-3 नंबर तो हमारे आए, और करंट अफेयर कभी भी आपके लिए बुरे नहीं होते, आप उससे कुछ सीखते ही हो, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप रोज़ के 15 मिनट करंट अफेयर्स को दोगे तो आपके नंबर और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो जो लोग मॉक दे रहे हैं, मॉक में जब आप देते हो ना तो पुराने करंट अफेयर्स आ रखे होते हैं, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हो तो उसमें भी पुराने करंट अफेयर होते हैं जो आपने नहीं किए होते। जब आप लगातार पढ़ना शुरू करते हो, लगातार करंट अफेयर पढ़ोगे, तब आपके मॉक में नंबर दिखेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बात बता दूँ करंट अफेयर्स कैसे करते हैं, इसके 2-3 तरीके होते हैं करंट अफेयर को करने के। कई लोग क्या होते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और मैगजीन से पढ़ लेते हैं, कई लोग होते हैं कि वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करती थी कि जो अड्डा का ऐप होता है, मैं अड्डा से क्या है डेली जो है उसमें एक मतलब जैसे अपना इंस्टाग्राम का स्क्रॉल वाला पेज होता है वैसे उस टाइम पर उसमें मेन स्क्रीन पर आता था। तो मैं क्या करती थी, रोज़ जैसे नोटिफिकेशन आई कि अभी ये करंट अफेयर, अभी ये कुछ कुछ नया नया आता रहता ना, तो चलते फिरते घूमते पढ़ाते कुछ भी करते करते वो स्क्रॉल करके पढ़ लेती थी। शुरू में मैंने ट्राई किया था लिखूं, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसको लिखने का कोई वर्थ नहीं है। आपको लिखना क्यों है, ठीक है,
तो मुझे लगता है अगर आप करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप वीडियो देख सकते हो, अगर आपको लगता है आपको पढ़ने से समझ नहीं आता, सबका तरीका अलग होता है, कोई देख के याद करता है, कोई पढ़ के याद करता है, कोई सुन के याद करता है, कोई लिख के याद करता है, तरीका आपको देखना पड़ेगा। आपको जल्दी किससे याद होता है, क्या आपको ऑडियो विजुअल से याद होता है, आपको वीडियो देख के लिखी हुई चीज़ें दिख रही है, सुनने को भी मिल रहा है, समझा रहे हैं तब आपको याद होता है, या सिर्फ आपका रीडिंग से काम चल जाएगा, बस आपको एक बार रिवाइज करना है, या आपको देख के लिखना भी है, वो आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरा क्या था कि वीडियो मुझे लगता था बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ है, मैं नहीं देखती थी वीडियो, मैं सच बता रही हूँ, मैंने नहीं देखी है कभी करंट अफेयर्स की वीडियो। देखी भी है तो कैसे देखी है कि पेपर से, जैसे मैंने रोज़ तो मैं करंट अफेयर्स कर ही रही हूँ, तो पेपर के टाइम पे क्या होता था, एक साल वाली, छः महीने वाली, वो वीडियो मैं एक साथ पेपर वाली से एक दिन पहले या सुबह सुबह देख रही होती थी, ऐसा होता था। क्योंकि पढ़े तो मैंने है ही, फिर भी टॉप 100 देख लो, टॉप 200 देख लो, बट मैं आपको कहूँगी कि आप अपना तरीका देखो कि आपको क्या सूट करता है। क्या आप ऑडियो विजुअल वाले हो, क्या आप रीडिंग करके सिर्फ विजुअल से काम चल जाएगा, या आपको हियरिंग से सुनाई ऑडियो से समझ आता है, या आपको लिख के समझ आता है, सबका अपना तरीका होता है। जो दूसरे के लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको करंट अफेयर का तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं इस तरीके से करती कि अड्डा से पढ़ लेती थी, और ठीक है हर वीक वो पूरा सेक्शन आता था उससे रिवाइज कर लेती थी, और कभी कभी जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, जो मेन मेन पॉइंट होते थे ना, ऐसे रफ पेपर ले लिया साइड में और उसमें साथ साथ लिख लिया कि अच्छा 71st रैंक है इंडिया की, तो उससे क्या आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी, मेन मेन चीज़ें रफ में लिखो। हाथ चलने से क्या होता है, यहाँ पे वो रजिस्टर हो जाती है इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको नोट्स की तरह नहीं लिखना, रफ बस चल पढ़ते पढ़ते कुछ आप लिख रहे हो, लिखने से काफ़ी अच्छा रहता है। मैं अपनी वोकैबुलरी भी जब याद करी होती थी तो दो चार बार उसको हाथ से लिख लेती थी, उससे अच्छे से याद रहता है। करंट अफेयर का तो यही है कि डेली बेसिस पे अपने रोज़ के करो, मंथ एंड में कोई वीडियो देख लो जिसमें टॉप 100 या उस मंथ के दिखाए हुए हैं वो कर लो, तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से पूछा गया, तो वो आपको स्टोर हो जाएगा। करंट अफेयर इस तरीके से कर सकते हो, और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज के लिए कोई भी आप एक PDF, कोई भी मैगजीन, जो भी आपको लग रहा है सही रिसोर्स है, आप उस मैगजीन उस PDF से उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं तो अड्डा के ऐप से रिवाइज कर लेती थी, मैंने कोई मैगजीन कोई PDF यूज़ नहीं किया। ठीक है, आपको देखना है कौन सा रिसोर्स आपको यूज़ करना है। इतने सारे ऐप्स हैं करंट अफेयर को बताने के लिए, और इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो PDF भी शेयर करते हैं, तो वो आपको चूज़ करना है कि आपको किसका समझ आ रहा है। किसी को समझ आता है, मुझे किसी ने बताया था इंडो लोगोस बहुत अच्छा है, पर मुझे इंडो लोगोस समझ नहीं आता, मैं सच बताऊँ तो। आपको चैनल ढूंढना है, मुझे क्रेजी ट्रिक्स ठीक लगता है, ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा चैनल ठीक लगता है। दूसरी चीज़, अब बात आती है जनरल, जनरल वाला जो आपका GK का पार्ट है उसको बाद में करना, पहले स्टैटिक GK करना। स्टैटिक GK बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टकराते ही टकराते हैं। स्टैटिक GK को कैसे करना है आप पूरी, मैं आपको अभी लिस्ट दूंगी, शेयर करूंगी, आपसे बताऊंगी कि क्या क्या कुछ कुछ है। तो स्टैटिक GK के एक तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पेपर पर वो सब कुछ लिख लो, कौन कौन से स्टैटिक GK के टॉपिक आते हैं। ठीक है, स्टैटिक GK का एक टॉपिक उठाओ, रोज़ एक टॉपिक उठाओ, उसको एक दिन दो दिन तीन दिन जितने भी लग रहे हैं, कोई वीडियो जिसकी वीडियो आपको, जिस YouTube चैनल की वीडियो उस टॉपिक के लिए समझ आती है, उस टॉपिक को उससे कर लो। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी चैनल देख सकते हो, आपको लगता है कि इसमें पूरा कवर नहीं हुआ, किसी और का देख लो, एक दो वीडियो भी देख सकते हो एक टॉपिक को कवर करने के लिए। उसके बाद एक बुक है, ब्रह्मास्त्र की बुक है, ठीक है, SSC के बच्चे उसे यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टैटिक के ही टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप पहले वीडियो से कवर कर लो, फिर उसमें से पढ़ लो, जो जो रह गया वो उसमें कवर हो जाएगा, और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चल जाओ। ठीक है, वीडियो को देखते देखते उसको रिवाइज करते चलो, ऐसे क्या है आपका एक 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 करके आप कंप्लीट कर लोगे स्टैटिक के टॉपिक। आप सोचो एक दिन में सारे स्टैटिक हो जाए, ऐसा नहीं होता है, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें करके करनी होती हैं। आप स्टैटिक की लिस्ट बना लो, एक टॉपिक उठाओ उसको करो, पर जो टॉपिक करो उसको इतने अच्छे से कर लो कि दोबारा उसको कहीं और से करने की ज़रूरत ना पड़े, और उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो ये वाला तरीका है आपका। वो बुक मैं जो हूँ उसकी PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, ब्रह्मास्त्र वाली बुक की, और स्टैटिक जो है वो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढूंढे हैं, मॉक टेस्ट से ढूंढे हैं, और जो DSSSB February 2024 में पेपर में आए हैं स्टैटिक के टॉपिक, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ये कर लोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि स्टैटिक के कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, कि वो स्टैटिक GK के टॉपिक में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें वो चीज़, तो मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ स्टैटिक GK के जो हैं टॉपिक, मैंने प्रीवियस ईयर PYQs, ठीक है, मॉक टेस्ट, और आपके जो अभी DSSSB फेब्रवरी
2024 में आपका एग्जाम हुआ है, उससे टॉपिक्स उठाए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स सेटिक जीके में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी मैं लिस्ट दूंगी वो अपने आप में ही काफ़ी है, पहले आप उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको लगे कि कमी रह गई है तो आप अपने जो भी प्रीवियस ईयर दे रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, उसमें से टॉपिक उठाते चले जाना। तो स्टैटिक जीके की आज हम बात करने वाले हैं कि स्टैटिक जीके के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम बात करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो सेंसस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, ठीक है। सेंसस को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो से क्वेश्चन है, स्टेट से क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, बैटल्स, अलग अलग जो बैटल्स लड़ी गई हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, कौन सी बैटल किसके बीच में लड़ी गई, कब लड़ी गई, कहाँ लड़ी गई, उसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या डिसीजन हुआ, अलग अलग रूलर्स ने जो करेंसी बनाई है, ठीक है, किस रूलर के टाइम पे कौन सी करेंसी थी, ठीक है, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी और उनके मिशन और आंदोलन, जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने कौन कौन से मिशन चलाए, कौन कौन से आंदोलन किए, कब किए, कहाँ किए, क्यों किए, ये आपको पता होना जरूरी है। आंदोलन और मूवमेंट्स में पहली बता चुकी, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये आंदोलन और मूवमेंट्स आपको पता होना चाहिए, एक एक बार हम बैठ जाओ कि डिफरेंट आंदोलन इन मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आपको पता चल जाएंगे, मूवमेंट्स आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मतलब जनवरी 2023 से लेके पूरे एक साल के 2023 के करंट अफेयर्स आपके फरवरी 2024 में पूछे गए हैं, तो एक साल के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, जनवरी से पूछे गए हैं, जनवरी तक के भी थे, ठीक है। तो आप ये सोचो कि फरवरी में पेपर हुआ है तो जनवरी के कहाँ पूछेंगे, देखो फरवरी 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और जनवरी 2023 के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WHO, UNO, इस रो, ये आपको पता चल रहा है कि अलग अलग जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन हेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता होना चाहिए। आईसीआई से क्वेश्चंस आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, रिवर जो है बेटा कौन सी रिवर का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे खत्म होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है, उस देश के अंदर अलग अलग जगह पर या दूसरे देशों में उस नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन जरूर आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस चीज़ से कोई आर्टिकल रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज से पूछा जा रहा है कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। फिर आपका आपका आ गया केमिस्ट्री से क्वेश्चन, एसिड बेसिस और डिफरेंट एसिड बेसिस, कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड मिल रहा है, क्या उसका सोर्स है, या फिर कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड कौन सी चीज़ में मिलता है, फेस्टिवल्स, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या उसका नाम है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। पोइट्स और ऑथर्स से क्वेश्चन था, ठीक है, किसकी क्या पोएम है, किसने ये पोएम लिखी है, ये बुक किसने लिखी है, इस बुक का ऑथर कौन है, इस पोएम का पोइट कौन है। माउंटेन रेंजेस आपका आ गया ज्योग्राफी से क्वेश्चन, ठीक है। आंदोलन मैं पहली बात कर चुकी हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, आप, SDK, PDK, जितने भी कम ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ठीक है, BSP, भाजपा, तो ये सबका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन इनका लीडर था, किसने शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद में बात आती है आपकी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, जितने भी 2023 में स्पोर्ट्स हुए हैं उसका कौन चैंपियन था, किस खेल का कौन सा खिलाड़ी है, या कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से है, कितने मेडल जीते, कौन से देश ने कितने मेडल जीते, सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। RBI से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट हर महीने का, और RBI का क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। विटामिन से क्वेश्चन थे, विटामिन से क्या क्वेश्चन थे कि उस विटामिन का नाम क्या है, ठीक है, उससे कौन सी डिसीज होती है अगर उसकी कमी हो जाए, ठीक है, और वो हमें कहाँ से मिल सकता है, सोर्सेस क्या है, ये तो एक बार में एक दिन करने बैठोगे ना तो आपका एक बार में हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। फिर जो अलग अलग बड़ी कंपनीज है, जैसे जियो है, टाटा
टाटा है, इनके क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बैंक से रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि कोई से बैंक ने कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और क्या नए अपॉइंटमेंट किए हैं। कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन था वैक्सीन से, स्टेट्स और बाउंड्रीज आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शेड्यूल पार्ट्स लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेज, शेड्यूल पार्ट्स आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आपको टपक ही जाएगा, मिल ही जाएगा, और डी ट्रिपल एस बी में तो पक्का पक्का मिल जाएगा, ठीक है। बुक्स, ऑथर्स, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, किसकी है बायोग्राफी, किसने लिखी है किसकी, ठीक है। हमारे देश के या दूसरे देश के क्या मिशंस हैं, ठीक है, जैसे कि गगनयान, चंद्रयान, ठीक है, और कोई अभियान किसी देश ने शुरू किया हुआ है। तो रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, वुमेन्स एजुकेशन, ये सब किसने बंद कराई, कौन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये कौन सा रेवोल्यूशनरी था जिसने ये सब बंद कराया, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी जो बनाई गई उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, ठीक है। पहले के टाइम पे अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सोसाइटी बनाई गई है, उनका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसने किया, किस लिए किया, सब कुछ आपको पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्ले का कौन राइटर है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो हैं किस चीज से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल है। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर से क्वेश्चंस थे, आपको पता होना चाहिए कौन से देश से गुजरते हैं ये, कौन से देश से नहीं गुजरते, कौन से इंडिया के राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। विच स्टेट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है ये आपको पता होने जरूरी है। उसके बाद में बात चल रही है कि एक सेकेंड, कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा राम मंदिर बना है, ठीक है, नई पार्लियामेंट बनी है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स, लेक्स, अलग अलग लेक, कहाँ पर कौन सी लेक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेशनल पार्क और सेंचुरी, इलेक्शन से क्वेश्चन था, मुगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो मुगल वाला टॉपिक तो आप एक बार अच्छे से बैठ के कर ही लेना। स्पोर्ट्स, एथलीट्स और अवार्ड, स्पोर्ट्स से मैं पहली बात कर चुकी हूँ कि चैंपियनशिप, कौन सा खेल किसने खेला, कौन एथलीट है, किस खेल से बिलोंग करता है, कितनी बार चैंपियनशिप जीती हुई है, कितने गोल्ड पदक जीते हुए हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और किसने वो जीता हुआ है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसने ये बुक लिखी है, 2023 के तो करंट अफेयर पूछे ही थे, तो आप समझ लो कि 2024 में आपका पेपर होगा अगर एंड में, तो 2024 के करंट अफेयर आपको आने चाहिए। 2024 के फरवरी में पेपर हुआ तो 2023 के पूछे हुए हैं, तो मतलब एक साल के करंट अफेयर तो आपको करने ही पड़ेंगे, जब भी आपका पेपर होगा एक साल के करंट अफेयर आपको करने पड़ेंगे। फिर डिफरेंट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के फ्रूट्स, ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है। उसके बाद साइंटिफिक नेम, अलग अलग जानवरों के, अलग अलग स्पीशीज के साइंटिफिक नेम क्या हैं वो आपसे पूछे गए हैं। नेशनल गेम्स, हमारे देश जो नेशनल गेम है अलग अलग देश की, हमारे देश की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अमेंडमेंट्स, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से आर्टिकल में हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड हुआ, आपको सारे अमेंडमेंट्स का पता होना चाहिए। कौन से लॉर्ड या वाइस रॉय ने किस किस चीज़ को कब बंद किया, उसका ईयर, वो आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी हमारे देश की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इन सब का आपको पता होना चाहिए, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, कौन सी ईयर में बनवाया। गौतम बुद्ध, महावीर, सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये गौतम बुद्ध को अच्छे से पढ़ लेना, महावीर को अच्छे से पढ़ लेना। समाज से सुधारक है हमारे देश के, जो समाज सुधारक रहे हैं या और भी रहे हैं, तो उनके बारे में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, जनजातीय लैंग्वेज, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज की हम बात कर चुके हैं, जनजातीय लैंग्वेज से क्वेश्चन है। स्कीम्स, हमारे देश में कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं, कब चलाई गई हैं, किस पर्पज से चलाई गई हैं। एक्टिव वोल्केनोस से क्वेश्चन था। उसके बाद में बात चल रही है, लास्ट आ रही हूँ मैं, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो गांधी जी को तो अच्छे से पढ़ लेना, उनने कौन कौन से मूवमेंट्स, कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं, कब क्या किया उन्होंने। बायो में सेल रिलेटेड क्वेश्चन था, सेल थ्योरी, बायोलॉजी में सेल थ्योरी पूछी गई है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस, ये वो, फलाना ढिकलाना, वही अच्छे से कर लोगे ना, आधे क्वेश्चन आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। स्टेट लैंग्वेजेस और फेस्टिवल, कौन सा स्टेट, कौन
कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज कौन सा आर्टिकल के अंदर, शेड्यूल के अंदर, पार्ट के अंदर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके की गेम्स, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलो। यूथ गेम्स से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, महावीर से क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म से, ये शर्म नहीं है, धर्म है, गलती से लिखा गया मुझसे, वो अपने आप ऑटो करेक्ट हो गया। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन है, इलेक्शन में आपको पहले लिख चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन है। पंचायत से रिलेटेड पढ़ना है आपको कि कौन सा आर्टिकल पंचायत को डील करता है, ठीक है। पंचायत में कितने तरीके की पंचायत होती है, 3 लेवल्स होते हैं ना पंचायत के, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 इसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे मैंने ये इस पर्पज से लिखा था कि आपको जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक पूछा गया है, किसमें, फरवरी 2024 के एग्जाम में। तो मतलब ये मान लो कि 1 साल आपका पूरा पूछा गया, बस जनवरी का नहीं पूछा, बाकी तो पूरा है ही, ठीक है। उसके बाद में एक और है स्पोर्ट्स मेडल टैली गोल्ड, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी मेडल, कौन से देश को कितने मेडल मिले, कौन कौन से मेडल मिले, गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले, ब्रॉन्ज कितने मिले, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, किस गेम में जीता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आपको क्या करना है इनको, एक मिनट, वन एक सेकेंड एक सेकेंड सॉरी 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 आपको 1 बाय 1 ये टॉपिक करने हैं। एक टॉपिक को उठाओ, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो, वो जो बुक मैंने बताई है ब्रह्मास्त्र की उससे पढ़ लो, अपने नोट्स बना लो और उनको कॉन्स्टेंटली क्या है, रिवाइज करते रहो, एक एक करके अपना खत्म करते चलो। जैसे आपने ये लिस्ट बना ली, तो आपने जो आज प्रोहिबिशंस कर लिए, आज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कर लिए, गौतम बुद्ध कर लिए, एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, बट मैं तुम्हें कहूंगी कि एक एक टॉपिक उठाओ, 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज तो 1 दिन का टॉपिक है, वो आप कर सकते हो, स्कीम्स देख लो, एक्टिव वोल्केनो से ज्यादा देर का टॉपिक है ही नहीं, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो आप। उसके बाद फेस्टिवल कर लो 2 दिन में, एक दिन में स्टेट्स कर लो कि उसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मतलब आपको क्या है, उठाओ पढ़ो टिक लगाओ, दूसरे पे आओ पढ़ो टिक लगाओ, पर करना तरीके से ही है। पहले आप यूट्यूब वीडियो से समझ लो, उसको बुक से पढ़ लो कि कुछ रह तो नहीं गया, उसके नोट्स बना के रखो साथ साथ और उनको रिवाइज करो। जितना आपको ना क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है बार बार उनको रिविजिट करना है। रिविजिट मतलब आपको देखना है, और रिविजिट कैसे करना है या रिवाइज कैसे करना है इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आप इन्हीं टॉपिक्स की लिस्ट बना लेना, इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अब बात करते हैं हम जनरल वाली जीके की, वो भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है आप छोड़ सकते हो। जब आपका स्टैटिक अच्छे से हो जाए, करंट तो चल ही रहे, स्टैटिक के बाद आप क्या कर सकते हो कि जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछता है वो, और आपका जो हिस्ट्री है, कौन सा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है वो करना है आपको, और ज्योग्राफी आप करनी है, ठीक है। साइंस जो है उसका आप देख लो कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसमें जो है आप बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, सॉल्ट वगैरह के, तो ये सब मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके के टॉपिक पूछे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से GS को टैकल कर सकते हो कि पहले स्टैटिक और करंट अफेयर तो आपको डेली का रखना है, स्टैटिक आपको एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जब स्टैटिक का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी जरूर कर लेना, ठीक है। साइंस वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें से बायो जो है बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं बायो से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना कर सकते हो कंप्लीट, और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, GS में आप सोचो कि एक रात में चेंज आ जाए, नहीं आएगा, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, और हमेशा अपना जब भी गोल सेट करते हो एक एक करके चीज़ करने की सोचो, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हो रहा होता है, चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।